हाय गाइस, वेलकम टू लॉ सिटी 5 इयर्स पॉडकास्ट। आई थिंक सेकेंड या थर्ड पॉडकास्ट 5 इयर्स आई एम टेकिंग। सो टुडे वी हैव यश पांडे। ही जॉइन अस फॉर द हाइस्ट वर्कशॉप प्रोग्राम। ही इज फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र, कल्याण से। बेसिकली ही बिलोंग टू वेरी नियर टू आर दादर सेंटर। सो ही स्कोर्ड 110 मार्क्स आउट ऑफ 150 इन एमएच लॉ सिटी 5 इयर्स 2022 एग्जामिनेशन। सो यश, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द स्कोर। थैंक यू सर। ये स्कोर एक्सपेक्ट किया था आपने एग्जाम में कि आएगा इतना, या इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो मतलब इतना नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड स्लॉट में पेपर था मेरा, तो अच्छा, बाकी सब बच्चे लोग का मतलब पेपर उन लोगों का अच्छा गया था, तो मैं सबको देख के मतलब नर्वस हो गया कि मेरा 80-90 के रेंज में आएगा। लेकिन हाँ, फिर बाद में जब सडनली 110 आ गया तो फिर मेरे को लगा कि अच्छा ही गया रहेगा, तो डेफिनेटली आया। ओके ओके। मतलब बाकी के स्लॉट इजी थे, सेकंड स्लॉट थोड़ा ट्रिकी यस, था, अलग टाइप के सेकेंड क्वेश्चन थे। स्लॉट्स हाँ में पजल्स के सेट आए थे और कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, तो हाँ जिसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन ठीक था, ओके मैनेजेबल था। ओके ओके। सो अभी आप फर्स्ट टाइम, अभी आप पॉडकास्ट दे रहे हो, राइट? तो कभी सोचा आपने पॉडकास्ट भी मेरा ऐसा होगा जैसे कि मैंने पहले भी पूछा, क्योंकि आपने पॉडकास्ट नो पहले वाले लिखे हुए थे, उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी की थी, राइट? प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन सोचा नहीं था कि अब आएगा ऐसे, मतलब पॉडकास्ट देने का टाइम आएगा, लेकिन आएगा, प्रिपरेशन नहीं अपना किए टाइम थे। आएगा। सो कितना हेल्प किया आपको जो प्रीवियस ईयर के पॉडकास्ट थे, जो आपने प्रिपरेशन के टाइम पे पॉडकास्ट देखे थे? यस सर, वो सब पॉडकास्ट मतलब हेल्पफुल थे काफी, क्योंकि सब स्टूडेंट्स ने अपना इनसाइटफुल मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो वो देख के फिर एक कॉन्फिडेंस भी आता था और एक प्रिपरेशन करने के लिए स्ट्रैटेजी पता चलती थी, तो फिर उससे मतलब बिल्डअप होते होते फिर एट द एंड हो ही जाता है। तो पॉडकास्ट बेनिफिशियल तो है मतलब हर स्टूडेंट के लिए, और मैनुअल कराता है मतलब वो हर साल उनका रहता है पॉडकास्ट सेशन, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ओके या थैंक यू थैंक यू। यस सबके लिए हेल्पफुल हो रहा है, प्रिपरेशन अच्छी जा रही है, स्कोर अच्छा आ रहा है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मेनूवर वांट्स। यस ठीक है, नेक्स्ट कम्स अबाउट लिटिल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में दे दो, लाइक एकेडमिक बैकग्राउंड एंड हाउ लॉ सीटी एग्जामिनेशन यू गॉट टू नो, एंड प्रिपरेशन कैसे आपने स्टार्ट किया ना? यस सर, बेसिकली आई गेव माई क्लैट एग्जाम आफ्टर माई एचएससी बोर्ड, सो आई गॉट अ रैंक ऑफ ऑल इंडिया रैंक 4000 समथिंग, सो आई डिडेंट मैनेज टू गेट एनी गुड एनएलयू। आई वॉज गेटिंग एनएलयू इन महाराष्ट्र ओनली, सो आई डिडेंट गो देयर एंड आई अपियर फॉर एमएससीटी, एंड विद द हेल्प ऑफ मैनुअल इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर इन एमएससीटी एज आई से, बिकॉज आई हैव दी अटेंडेड दी 15 डेज वर्कशॉप ऑफ मैनुअल, सो आसान था मतलब काफ़ी हेल्पफुल था। देव सर के लेक्चर्स और बाकी मैम सर के लेक्चर्स मतलब हेल्पफुल थे, उसकी वजह से मतलब हेल्प मिला और स्कोर तो मैनुअल एजुकेशन को ही मतलब डेडिकेशन जाना चाहिए। थैंक यू थैंक यू। सो एज यू मेंशन, यू रिटन क्लैट एग्जामिनेशन एंड यू गॉट सम अराउंड समथिंग अराउंड 4000 रैंक। विच एन एल इज यू यस गेटिंग महाराष्ट्र में? बिकॉज देयर आर थ्री एन एल इज, मुंबई, औरंगाबाद एंड नागपुर, आई यस सर, थिंक आई वॉज गेटिंग औरंगाबाद। औरंगाबाद वन। ओके ओके यस फाइन। सर सो औरंगाबाद में एडमिशन ड्रॉप कर दिया आपने, रीजन? यस सर यस सर बिकॉज आई थिंक दैट मतलब मेरे को जीएलसी मिल सकता, अगर लास्ट के 1 मंथ में अगर ट्राई मारा, अच्छा बेस्ट अपना दिया, तो जीएलसी या तो आईएलएस में से मिल सकता है, तो वो जाना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा एज कम्पेयर टू एमएनएलयू औरंगाबाद। ओके ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन कैसा था आपका, और क्या प्रिपरेशन इंग्लिश को लेके आपने की? इंग्लिश का सेक्शन सर मतलब बेसिकली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, सो इतना हार्ड तो नहीं लगा, लेकिन मतलब एमएससीटी का पेपर सेक्शन मतलब उनका स्लॉट ये सब बहुत डिफरेंट आता है। अभी 2019 का पेपर उनका बहुत लेंथी आया था, 20 का पेपर उनका 6 सेट उसमें पैसेजेस के आए थे, 21 के पेपर में इजीस्ट क्वेश्चन आए थे सब इजी टू मॉडरेट, लेकिन 22 में थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट, स्लॉट 1 का पेपर इजी था एज कम्पेयर टू स्लॉट 2। तो प्रिपरेशन के लिए मैनुअल के वीडियोस देखे थे कोई बहुत सारे, और न्यूज़पेपर तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए चल ही रहा था, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, तो ये सब ने हेल्प किया। और इंग्लिश सेक्शन ग्रामर बेस्ड रहता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के ही आते हैं, तो उस पर फोकस करते हैं तो हो जाता है। ओके ओके एंड लॉजिक? लॉजिक सर, लॉजिक के लिए एनालिटिकल रीजनिंग पजल मतलब वाला पार्ट? ज़्यादातर एनालिटिकल रीजनिंग ही आता है हमें सीटी में,
एनालिटिकल रीजनिंग की, और मैनुअल क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन बैंक्स, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अदर कोचिंग के भी क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, अगर क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्रिटिकल तो हो ही जाता है क्योंकि क्रिटिकल क्लैट में आता है, और एनालिटिकल हम कर नहीं पाते हैं क्लैट में, तो वो ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है जो क्लैट दे के आए हैं, तो उनको एनालिटिकल के लिए मतलब ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। And toughest section GK? Yes, toughest, unpredictable section it was. Yes. So उसके लिए कैसे preparation किया आपने? उसके लिए सर क्लैट के लिए न्यूज़पेपर तो मतलब रीडिंग चालू ही था, तो अराउंड वन एंड अ हाफ ईयर आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। द हिंदू? व्हाट सर? व्हिच न्यूज़पेपर? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस? द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, समटाइम्स हिंदू सम इंडियन एक्सप्रेस, बट इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू दी स्टूडेंट, मतलब उनको ज्यादा अच्छे से समझेगा इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि हिंदू का लैंग्वेज हार्ड रहता है थोड़ा सा। तो इंडियन एक्सप्रेस से नोट्स वोट बनाए थे और बाकी कंपेंडियम आते थे और मैनवर के मंथली करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की गाइड से मतलब कवर हो चुका था आधे से ज्यादा। ओके, यस। एंड इस बार का थोड़ा लीगल सेक्शन अलग था, लीगल जीके भी पूछा था, ऑल्दो यू हैड प्रिपेयर्ड फॉर द क्लैट, तो कितना हेल्पफुल था आपका? यस सर, लीगल सेक्शन भी वन लाइनर्स आए थे इस बार ज्यादा से ज्यादा, अराउंड 26 टू 27 क्वेश्चंस आप फ्रॉम वन लाइनर। तो उसके लिए हमें ये पियर्सन गाइड, दे आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन वन लाइनर कॉन्स्टिट्यूशनल, बेसिकली दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज ओनली, एंड फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम टॉट, टू क्वेश्चंस फ्रॉम क्रिमिनल लॉ एक्सेट्रा। सो हम कोई मतलब अच्छी बुक वही पियर्सन गाइड लेके उससे हेल्प भी कर सकते हैं, और अदर कोचिंग्स के लेक्चर देखें तो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा वो गाइडेंस के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। एंड मैथ्स सर? मैथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, सो पढ़ा तो नहीं उसके लिए, लेकिन मैथ्स मैनुअल के लेक्चर से ही कवर किया था, तो उनके बेसिक लेक्चर जो थे मैनुअल के और उनके क्वेश्चन बैंक जो प्रोवाइड किए थे उसके हेल्प से मैथ्स मतलब कवर हो चुका था, 75% मतलब परसेंट करके गए थे, बाकी का 25 नहीं किया था, तो वो 25 आया था इस साल। व्हाट सर? मैथ्स का सेक्शन इजी भी आया था इस साल? यस सर, इट वाज इजी। ओके, ओके। एंड मॉक टेस्ट कितने लिखे आपने? सर फॉर एमएससीटी आई हैव रोट अराउंड 4 to 5 मॉक्स। एंड व्हाट वाज द हाईएस्ट स्कोर इन द मॉक? 105 एंड यू हिट 110 यस सर, मार्क्स एक्स्ट्रा। ओके, so what do you think what you have learned from the mock after writing couple of mock tests, kya realize hua aur kya sir? Mocks dene ka aim to yahi rehna chahiye, usko baad mein analyze karna hai humko, kyunki khali mock likhna preferable nahi rahega, agar hum likhte jayenge 10-15 mock de diye hain lekin usko analyze nahi karenge to mistakes pata nahi chalega, fir hum move nahi grow nahi kar payenge, fir marks hamare improve nahi honge, to ek mock likhne ke baad kam se kam usko 2 days to analyze karne ke liye मैंने टाइम दिया था लास्ट में, तो 2 days उसको एनालाइज करके एनालिटिकल रीजनिंग, उसमें जो सेक्शन मतलब हार्ड लग रहा है फिर उसके ये सेक्शनल टेस्ट उसको अटेम्प्ट करके, फिर वो सेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करके फिर नेक्स्ट मॉक फिर अटेम्प्ट करना चाहिए एज अ ओपिनियन ऑफ माइंड, तो फिर नेक्स्ट मॉक जब अटेम्प्ट करेंगे तो फिर वो अच्छा रहेगा, मतलब अगर उसमें स्कोर इंक्रीज हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर नेक्स्ट मॉक में भी वही सेम एनालिसिस अपने को एनालाइज करने का है, फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ के नेक्स्ट मॉक देना है, अगर स्कोर नहीं बढ़ा तो फिर मेंटोर से बात करनी चाहिए डेफिनेटली। यस सर। सो प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा लगा था कि यार अभी डिफिकल्ट लग रहा है, या तो फिर स्कोर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या तो फिर यस सर बैटरी डाउन मोमेंट, डीमोटिवेशन आया था कि नहीं? यस सर, लास्ट के 1 month बचे थे क्लैट के बाद, तो लग ही रहा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 month में क्लैट के बाद भी थोड़ा सा चिल कर लिया था क्योंकि पेपर के लिए वहाँ अराउंड 1 year पढ़ा था, तो लेकिन बाद में जब मैनुअल का वर्कशॉप आया तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हुआ, क्योंकि मैनुअल एमएससीटी में मतलब बहुत ब्रिलियंट बहुत ज़्यादा है, तो उनके हेल्प से, और बाकी फिर डीमोटिवेशन तो आ रहे थे, लेकिन जितने ज़्यादा एफर्ट दिए फिर उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया, एट दी एंड फिर लास्ट डे पे भी डीमोटिवेशन था ही, लेकिन जब पेपर में गए तो पेपर ईजी था तो फिर कॉन्फिडेंस था तो हो गया। Yes, जिस दिन एग्जाम था उस दिन का कुछ सिनेरियो, या तो ऐसे कुछ सिचुएशन हुई थी जो नहीं करनी चाहिए किसी एस्पिरेंट को, या तो आपने कुछ गलती की थी, या तो फिर उस दिन की फीलिंग क्या थी बेसिकली?
सर एग्जाम हॉल में मतलब जाते टाइम तो एनजाइटी था क्योंकि लास्ट पेपर था, तो हाँ अगर इसमें नहीं होता तो फिर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करना पड़ता फिर से ड्रॉप लेके। तो फिर एग्जाम हॉल में जब मतलब सब सब एकदम कॉन्फिडेंट थे तो आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम ओनली दी वन हु वॉज नॉट स्टडिंग, एंड ऐसा लग रहा था मतलब। लेकिन बाद में फिर जब पेपर सामने आया तो सबके फेस सिमिलर थे क्योंकि पेपर एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। तो जब पेपर का मतलब सामने पेपर आया तो फिर इतना एनजाइटी नहीं हो रहा था, और वो टाइम पे होना भी नहीं चाहिए नहीं तो पेपर पूरा बिगड़ ही जाएगा। लेकिन अच्छा था, लेकिन पेपर के हॉल के जाते जाते तो बहुत एनजाइटी हुआ था, लेकिन जब पेपर सामने आ गया एक टाइम पे तो फिर आराम से फिर वो हो गया क्योंकि इजी टू मॉडरेट था तो ज्यादा अपना ब्रेन यूज नहीं करना पड़ा, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे सब। तो बाद में लेकिन निकलने के बाद जब पोस्ट एनालिसिस किया पेपर का तो भी लग रहा था कि यार 80 to 90 marks ही आ पाएंगे, कुछ तो गलत हुआ रहेगा, लेकिन आई वॉज मैनेजिंग उसको 100 only, सो इट वॉज हाँ नाइस। ओके सो इफ यू वांट टू गिव टिप्स टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट को क्या टिप्स दोगे? यस सर, आई विल बी गिविंग दैट अगर वो कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम MSCET, क्लैट, LSAT, स्लैट, सो उनको MSCET पे भी अपना फोकस एक रखना चाहिए, बिकॉज मैंने नहीं रखा था तो वो हार्ड पड़े। अगर आप लास्ट मंथ या 1.5 months में उसका प्रिपरेशन करने जाएंगे तो फिर वो हार्ड पड़ेगा, तो इसके लिए आप पहले से ही थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। अगर आपका MSCET मेन गोल नहीं है तो अगर आप थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो लास्ट में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगा। अगर आप 1 year स्टार्टिंग से ही आप मॉक सॉल्व कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा आएगा उसमें। लेकिन अगर आप लास्ट के 1 month में आके सब एक साथ करने जाओगे तो वो फिर हो नहीं पाता है। तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप अपने मतलब स्टार्टिंग पे 1 year, मतलब आप कम से कम 1 year तो उसके लिए स्टडी करिए। अब मिनिमम 6 month कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि MSCET भी अनप्रेडिक्टेबल है, अभी ये साल पेपर इजी टू मॉडरेट है, अगले साल वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी हो सकता है, उनका ना ओके पेपर पैटर्न है ना कुछ, ना वो एनालिसिस शेयर करते हैं, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए और कम से कम 1 year का तो प्रिपरेशन करना ही चाहिए। करेक्ट यस सो सर, इफ आई समराइज एंटायर पॉडकास्ट लाइक वेरी फर्स्ट यू एज यू मेंशन यू स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन एट द सेम टाइम यू आर राइटिंग मल्टीपल लॉ एंट्रेंसेस यू शुड हैव अ ग्लिम्स अबाउट द एग्जामिनेशन एंड थोड़ा थोड़ा उस सारे एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन करते रहो डोंट प्रिपेयर इन द लास्ट यस entire syllabus of that particular examination. Do write the mock test, do have a detailed analysis, be confident while you are preparing and while you are going to the examination center, right? यस सर, And confident रहो, confident is the key. अगर आप यस सर, consistently prepare कर कॉन्फिडेंस रहे इज हो, द की, confident हो, तो निकालोगे exams. यस सर, कॉन्फिडेंस इज द की। Yes. Okay. So that's all, guys. In this podcast, I hope you, everyone who is watching this podcast, must be liking all the podcasts and do share your comment. What kind of a question you want me to ask from the aspirant? And do make your note when whatever you are learning from the podcast, implement the same in your preparation part. Yes, thank you for coming and sharing your experience. And Thank you, sir. we are Thank very you for happy having that me. you, yes, I'm happy that you have attended the workshop, you have gone through the videos, and that helped you to crack CET with the good score. Yes, sir. So once again, congratulations for your 1110 Thank you, score. sir. And GLC is final, and second position pe ILS is there. Yes, sir. मतलब यू विल बी श्योरली गेटिंग एडमिशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर. Yes, sir. Thank you, चलो sir. बाय या